सम्मान की रक्षा करना, आप जनप्रतिनिधियों करना। अभी देख रहे थे, कल हम बिहार शरीफ में थे, कुछ मीडिया वाले लोगों ने हमसे पूछा कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है कह रहे हैं कि 2400 सीट हम लोग अगर जीत जाएंगे, 1500 जीत जाएंगे तो बिहार में हम अपना सरकार बनाए। तो आप बताइए, जो आदमी इतना सदक गया हो, जिस आदमी की विचारधारा ये हो, उसके हाथ में अगर एक भी सीट मिलेगा तो क्या समझते, कहां जाएगा अहंकार? अहंकार कहां जाएगा? बाढ़ में जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एमएलसी प्रत्याशी की चुनावी सभा में कहा कि राजद की कर्तव्यधर्ता तेजस्वी यादव सनक गए हैं। उनके द्वारा एमएलसी के सभी सीटों पर कब्जा करने की बात हास्यास्पद है। ललन सिंह वार्ड के सवेरा हॉल में पटना स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन चुनाव 22 के एनडीए समर्थित उम्मीदवार वाल्मीकि सिंह के पक्ष में आयोजित सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में विकास पूरी गति से चल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रही है, पंचायत राज से लेकर विधि व्यवस्था तक की स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है। इस मौके पर भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू ने कहा कि कार्यकर्ता एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशी का समर्थन करें। मौके पर एनडीए प्रत्याशी वाल्मीकि सिंह के अलावा सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, एमएलसी नीरज कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सिया राम सिंह, पूर्व विधायक रणविजय सिंह, इरशाद उल्लाह, अशोक चंद्रवंशी, सुभाष रंजन, रमन मुखिया, मनोज राम आदि मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए बाढ़ से संवाददाता अभिरंजन कुमार की रिपोर्ट। और आसमान पर जब अहंकार जाएगा तो सबसे ज्यादा अत्याचार अगर होगा तो अधिक पिछड़े वर्ग के लोगों पर होगा और महिलाओं पर। लाल जी के 15 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन था? लाल जी के 15 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा पीड़ित अति पिछड़े वर्ग के लोग सड़क पर निकलना नहीं मंजूर करते थे, भय से, भय का वातावरण था, आतंक का वातावरण था। और उस आतंक के वातावरण को और समाज में भाईचारा अगर कायम करने का काम किया है तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, और उनके सम्मान की रक्षा करना आप जनप्रतिनिधियों का। हम तो आग्रह करते हैं, हम तो विनती करते हैं, वोट तो आपको देना है, लेकिन हम यह जरूर आपको सतर्क करेंगे कि अगर थोड़ा सा चुप होगा, थोड़ा सा अगर आप में अगर सावधानी घटेगी तो आने वाला समय बड़ा खराब। 5 बरस तक एमएलसी थे माननीय श्री रीतलाल यादव जी, आते तो नहीं थे, अब बाढ़ मोकामा का कोई आदमी जाने का उनके यहाँ हिम्मत करता था? अरे कोई जाते थे आप लोग? कोई पूछेगा नहीं, वो आएंगे नहीं, आप जाएंगे। आप वाल्मीकि जी को तो तकलीफ हो जाएगा, यहां से आवाज दीजिएगा, आगाज दीजिएगा, वाल्मीकि जी बाढ़ में हाजिर है। वाल्मीकि जी को यहां से आवाज दीजिएगा, मोकामा में हाजिर है। वाल्मीकि जी को यहां से आवाज दीजिएगा, टाल में हाजिर। फिर भाई कह रहे 2400 सीट हमारी है, जो आपने कहा अभी सर, तेजस्वी जी तो हर बार यही कहते हैं। अब जो मुंगेरी लाल का सपना देखता है उसको हम लोग क्या करते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले कुशेश्वर स्थान में और तारापुर में चुनाव हो रहा था, दोनों सीटें जीत रहे, अभी 2400 जीत रहे हैं, 2400 में एको वो सीट नहीं जीतेंगे, 2400 सीट पर एनडीए का जीत। रोड शो करने के लिए कह रहे हैं सर, रोड शो करेंगे बख्तियारपुर में, रोड शो करे चाहे वो कुछ शो करे, रोड शो करके अपने समर्थकों को वो उकसाते हैं और तनाव समाज में तनाव पैदा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी सामाजिक सद्भाव में और समाज में सद्भाव में विश्वास करते हैं,
यही अंतर है सर। कभी देखे आज तक नीतीश कुमार जी को रोड शो करते हुए? नहीं, वो नहीं करते। इसलिए कि उनका सोच है समाज में सद्भाव कायम रखना, समाज में आपसी भाईचारा कायम रखना।